अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप? अम्मा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक हूँ। क्या बना रही हैं आज? मैं आज करेले कीमा बना रही हूँ। वाओ, फर्स्ट क्लास डिश है, इसको सब पसंद करते हैं। मेरे तो बहुत ही पसंद है, मैं दो दो दफ़ा रोटी खाती हूँ और ये तकरीबन सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, करेले को। ये हमारा आधा किलो कीमा है, ठीक है, और 1 किलो करेले हैं जो हमने फ्रीज किए हुए थे, काट कूट के सफाई करके इसकी हमने फ्रीज किए हुए थे। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट टाइम किए थे, तो लेट्स सी कि आज इसमें वो क्या टेस्ट है। ना हालात ऐसे हुए हुए ना, तो सब्जी एक महीने की मंगवा के हमने फ्रीज की हुई है सब, ताकि बार बार ना जाना पड़े बच्चों को, इसलिए ना। ये 3 अदद टमाटर हैं, ये हरी मिर्चें, यानी कि हरी मिर्चें मेरी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ज़रा हरी मिर्चों का चस आना चाहिए, और ये अदरक लहसुन तो हर हांडी की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह, ये हमारा कीमा हो गया, ये टमाटर हमने डाल दिए, इंशाल्लाह हमने ये कीमे को कम से कम हम आधा घंटा तो देंगे। ये भी ज़रा मुश्किल से गलता है, मटन है फिर भी ना मुश्किल से गलता है, ज़रा टाइम लेता है, आधा घंटा तो देंगे इसको। ये देखिए 2 चम्मच मिर्चें हैं, 2 चम्मच नमक है, थोड़ी सी काली मिर्च 1 चम्मच, इसको ना थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्की आंच रखेंगे इसकी। उतनी देर में कोई और काम कर लें, पहले थोड़ा सा इसको गला लें, सही गलिया होएगा ना तो फिर कीमे में खाने में भी मज़ा आता है। हाँ जी, बस को ढक्कन लगा देंगे, हल्की आंच करते हैं। ठीक, ये हल्की आंच में आधा घंटा लेगा, फिर हम करेले फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने तेल डाला, हम जा रहे हैं करेले फ्राई करने। ध्यान से डालिएगा, पानी है इनमें। ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, पिंडियाँ तो बहुत जल्दी हो जाती है ना, ये फ्राई होने में टाइम लेती है। हम हल्दी डालेंगे अभी, ये ब्राउन हो जाए सही तरीके से, फिर ये सही रहते हैं। बाहर लग ना जाए, सड़ ना जाए, इतिहास से चूल्हा नॉर्मल ही रखें। करेले ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। ये देखो
बस इसको हमने 5 मिनट सौते करना है और बाकी जो भी कसर होगी वो फिर हांडी में पूरी हो जाएगी। अब थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसमें, बिस्मिल्लाह, कुछ करेलों में हल्का हल्का। अब थोड़ी देर इसको ना पानी सूख जाएगा और इसको भून लेंगे हम। बस तैयार ही नहीं करेले भी हमारे। ये देखें प्याज इसका खड़ा खड़ा रहेगा, कीमे इसको भून लेंगे हम और फिर ना की होती है ना, ये देखें आप, ये देखिए माशाल्लाह से कीमा भून गया, पानी भी सूख गया, कीमा गल भी गया। ये प्याज आपको दिखाई दे रहा है ना खड़ा खड़ा, ये सब नरम हो जाएगा। हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे फिर बिल्कुल दम पे हल्के चूल्हे पे रखेंगे इसको, ताकि ये करेले गल जाएं। करेले भी टाइम लेते हैं ना गलने में, थोड़ी सी सख्त होते हैं। थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें? अभी नहीं, बाद में। हाँ जी बाद में, जब उतारने लगेंगे फिर सिरका थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। चलिए हाँ जी। अभी इसको कितनी देर दम देंगे? हम इसको देंगे 10-15 मिनट दम इसको आएगा। चलिए हाँ। पानी डालेंगे कि नहीं? हल्का जो छट्टा लगाएंगे पानी का, हल्का जब बस ऐसे करके ना छट्टा लगाएंगे। चलिए हाँ जी। मतलब ये देखिए तो मैं ऐसे करके, ताकि ये ना थोड़ा सा छट्टा लगाया पानी का, अब दम दे देंगे बिल्कुल एंड पे चूल्हा हल्का सा। हमारा तो बिल्कुल हल्का चूल्हा हो जाता है, बहुत शानदार हांडी हो जाती है दम में। ये देखिए बिस्मिल्लाह, चूल्हे ने चूल्हा हमने हल्का कर दिया, ये ढक्कन दे दिया। देखिए माशाल्लाह से हमारे करेले तैयार, प्याज भी नहीं इतना दिखाई दे रहा। हम थोड़ा सा सिक्का ऐड करेंगे, बस आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आसान तरीका है, घर के मसाले। हाँ जी बहुत मज़े की बनती है। थोड़ा सा आप लें पुदीना 2-4 पत्ते, थोड़ा सा हरा धनिया, हम चूल्हा बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब देखो माशाल्लाह हमारे करेले तैयार ने, इसकी शक्ल भी अच्छी नज़र आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार सब्ज़ी है। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखें। मैं फिर मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।